फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज है बहुत ही स्पेशल डे, रिपब्लिक डे है आज, 26 जनवरी। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और टाइम हो रहा है 10:30 और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ। बच्चों ने नाश्ता कर लिया, छत में चले गए हैं और आज मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन किया है। मतलब कि जो मेरा गेस्ट रूम था उसके सारे सोफे के कवर चेंज किए, दीवान का वो चेंज किया, तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो गए। तो तीसरा बैच अभी कपड़े धुल रहा है, तो बस वो कपड़े निकाल के जाते हैं हम नाश्ता करने। और पूजा हमारी हो गई है, नहा गए हैं, टीका देख के आप समझ सकते हैं। तो बस बने रहे आप ब्लॉग में और देखते रहे कि पूरे दिन में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद आज मैंने ये वाले कवर बिछाए हैं इस सोफ़ा कम बेड में और अभी मैंने बंद कर दिया है। ठंडा आज कम है यहाँ, आज तो बहुत अच्छे से धूप आई थी। कभी धूप आ जाती है और कभी नहीं आती है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो दिन करके मौसम खुलने लग गया है। और यहाँ पे ना बिग बॉस भी देख रहे हैं हम साथ में। और ये देखिए, ये वाला टेबल मैंने बनवाया था अभी, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और ये ना थोड़ा सा बड़ा बन गया, मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं बना। और ये आज मैंने ये वाली क्या बोलते दीवान की सीट, बेड सीट, क्या बोलते दीवान सीट चेंज कर दी है। इस चादर का थोड़ा रंग सा उड़ गया। और ये देखिए, सोफ़े के कवर भी मैंने आज चेंज कर दिया। ये वेलवेट वाले जो होते हैं ना, वो मैंने बिछा दिए हैं। और ये जो पिलो कवर आपको दिख रहे हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। तो मेरे सारे कमरे आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। धूप आप देख सकते हो अंदर तक आ रखी है और आज बहुत अच्छा लग रहा है। 7 बजे ही धूप आ गई, तो आज काफ़ी दिन बाद हमें सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। तो सारी क्लीनिंग ये देखिए मैंने इस तरह से कर दी है और बस यही मेरा काम हुआ है। अब करते हम नाश्ता की तैयारी। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, खूब देर धूप सेकने के बाद आ चुकी हूँ नीचे। खटाई बनाई हमने, मैंने नहीं खाई खटाई, मैंने नहीं खाई और लोगों ने खाई। मैं ना, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मैं खटाई स्किप करती हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे के व्रत रखती थी। व्रतों की शांति करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं स्किप करती हूँ। जिस दिन माइंड से निकल जाए, याद ना रहे, उस दिन की बात अलग है, लेकिन याद रखने की कोशिश करती हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ। सोच रही हूँ आज चैसू और भात बनाऊँ, भात यानी चावल, चैसू यानी काली दावल को पीस के बनाते हैं हम गढ़वालियों में। जो गढ़वाल से होंगे उनको तो पता ही होगा चैसू क्या है। हमारे यहाँ मसपणी बोलते, मेरे ससुराल साइड चैसू बोलते, तो अब चैसू चैसू मैं भी चैसू बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया लंच बनाने का टाइम और मैं आ गई हूँ नीचे और किचन में लाइट जला लेती हूँ, क्योंकि मैं ना जब कुछ काम नहीं होता तो लाइट बंद करके रख देती हूँ। मुझे ना लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो,
ये बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे ना ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग बहुत ध्यान से देखते हो, क्योंकि परसों जब मैं चाय बना रही थी ना, तो मैं चाय छानने लग गई थी और गैस बंद नहीं किया था मैंने, तो मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि गैस बंद करो पहले और फिर चाय छानो, गैस वेस्ट हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, उसके चाय के बाद ना मैं दूध रखने वाली थी अपने बेटे के लिए, इसलिए मैंने गैस बंद नहीं करी थी। उसी बर्तन में मैं दूध गर्म करने वाली थी, इसलिए तो क्या बोलते हैं, फिर भी अगर मेरे से व्लॉग में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे ना मैं चैसू बनाने लग गई। काली दाल को मैंने पीस लिया है, तो जो गढ़वाल्स हैं, पहाड़ से हैं, तो उनको तो पता ही होगा चैसू कैसे बनता है। तो फिर भी हर किसी का बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। मेरे मायके में मैं अलग बनाती थी और यहाँ मैं अलग बनाती हूँ, तो मुझे अब ऐसा वाला ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे वाला ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने काली दाल को पीस लिया था मिक्सी में, और आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। उसके बाद मैंने तेल डाला और उसमें जीरा डाला, और उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, लहसुन और प्याज डाले। प्याज थोड़े से कलर आ गया था उनमें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इसमें दाल डाल दी और दाल को अच्छे से भून रही हूँ। दाल में से अच्छी सी एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए ना, तो समझ लेना है कि हमारा ये चैसू बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अभी मैंने सारे मसाले के डब्बे खोल के रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दाल को ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकती, नहीं तो वो जल जाएगी। तो मैं फटाफट डब्बों से मसाले डाल लूँगी। और उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, टमाटर भी छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है, उसको भी इसके साथ डाल के और मसाले भी साथ में ही अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बनाती हूँ चैसू, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके बताइएगा। और चैसू मेरा ना ये दाल जो है काली ऑलमोस्ट भुन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और इसमें डाल दूंगी मैं गरम पानी। तो मैंने इलेक्ट्रिक केटल में गरम पानी करने रखा है, और इसमें एक बॉईल निकलेगा ना तो ये गाढ़ी हो जाती है दाल, काफ़ी गाढ़ी। तो इसमें आप पानी जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, मतलब जैसे आपको चाहिए, चावल के साथ इसको खाया जाता है। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी और उसके बाद अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और डाल दूंगी। तो एक साइड मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है, इसमें ना गरम पानी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप इसमें ठंडा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और लोहे की कढ़ाई में बने अगर ये चैसू ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे मेरे मायके में इसे बोलते हैं मसपणी, काली दाल को पीस के बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिया है इसमें गरम पानी, और अब मैं इसको ना धीमी आंच में दो तीन बार अच्छे से बॉईल निकलने दूंगी। ये अच्छे से गाढ़ी हो जाती है, और आप देख, जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बन के रेडी हो गई है। और चैसू जब इस तरह से भून के बनाओ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, मतलब बाहर वालों को भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लग जाता है कि हाँ आज इनके घर में चैसू बन रहा है। तो बस अब इसको ना मैं खदकने के लिए छोड़ दूंगी, यानी कि बॉईल निकलने के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी ये कितनी पतली दिख रही है ना, जब बन जाएगी तो बहुत गाढ़ी लगेगी। कपड़े ले लो, सब्जी ले लो।
तो सब्जी खाएगी क्यों गुदगुदी होती है आपको? चलो खाना खाएंगे। खाना है गाइस, बोलो हाय गाइस, मेरा नाम है खुशी, मैं डॉग क्रैकर से हूं। सब्सक्राइब करना भाई, मियाओ मियाओ डॉग डॉग वाओ। फ्रेंड्स, हमने लंच कर लिया है और अभी हम सारे काम से फ्री हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर से मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।